हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग गुरु। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को अपने C++ प्रोग्राम में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्लासेस होता क्या है, ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। तो क्लासेस कुछ नहीं होता, क्लास एक कंटेनर होता है जिससे हम कुछ उसमें प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं और उन क्लासेस से हम उनके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर अपना खुद का डेटा टाइप बना रहे हैं जो हमारे बेसिक डेटा टाइप्स को मिला के बनाए, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो हम चाहें, एरेज हो सकती हैं, फंक्शंस हो सकते हैं उसमें, जो उनको एक्सेस करने के लिए हमें मदद करें। क्लासेस की जो डेफिनेशन है वो ये हो सकती है, द क्लास इज यूज टू डिफाइन द नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ क्लास C++ बेसिक यूनिट ऑफ इनकैप्सुलेशन। मतलब ये इनकैप्सुलेट कर लेता सबको, एक ही यूनिट में बाइंड कर देता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज दैट शेयर अ कॉमन डेफिनेशन एंड देयरफॉर शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज, ऑपरेशंस एंड बिहेवियर। यानी इसके हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं जिन्हें हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वो ऑब्जेक्ट को सर्टेन प्रॉपर्टीज होंगी, उनके पास कुछ बिहेवियर होगा, कुछ मतलब वो फंक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे जो सबके लिए कॉमन होगा, एक डेटा टाइप के लिए यानी एक क्लास के लिए। आगे हम बाकी बाद में जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको लग रहा है कहीं पर वीडियो तेज जा रहा है तो आप इसे पॉज करके समझ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो हम C++ में को अभी बाजू में रख के पहले ऑब्जेक्ट जान लेते हैं होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डॉग बना हुआ है, आप इसे ऑब्जेक्ट मान के चलिए। ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास कुछ स्टेट होगा, नाम होगा, कलर होगा, कोई प्रजाति को ये बिलोंग करता होगा, ये भूखा भी हो सकता है, ये सब इसके स्टेट है या प्रॉपर्टीज़। तो अब ये इसके पास कुछ सर्टेन बिहेवियर्स होंगे, जैसे बार्किंग, ये भौंक सकता है, फेचिंग यानी कि हम कुछ फेंकते हैं, लकड़ी फेंकते हैं वो वापस लेके आता है, इसे फेचिंग कहते हैं। और इसके पास एक वैगिंग टेल होती है यानी कि इसकी टेल हिलती रहती है, शांत नहीं रहता ये। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी और कुछ स्टेट्स होंगे। अगला हम एग्जांपल लेते हैं कार का। सपोज़ कीजिए कार क्या होती है, कार होती है जिसके पास चार पहिए हो, इंजन हो, लोग बैठ पाए उस पर बहुत सारे, तो वो कार है। तो ये हमारी क्लास हो गई। और जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब डिफरेंट कंपनीज़ की कार है, टोयोटा, होंडा, फोर्ड, इन सब की भी कार्स हैं, पर वो सब अलग अलग नाम से आइडेंटिफाइड हैं। तो वो सब कार्स, तो वो सब बिलोंग करती हैं हमारी क्लास को जो कि है कार, बट वो ऑब्जेक्ट हैं उस क्लास के, क्योंकि उनके पास भी वो चार पहिए हैं, वो सीट्स हैं, वो इंजन हैं, वो भी उतनी कैपेसिटी है। इस तरह से हम ये एग्जांपल देखते हैं। ये मतलब एक कार है जो क्लास है, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हमने डॉग का देखा था ऑब्जेक्ट, इस अब ये क्लास है तो मेथड हो सकते हैं, इसमें फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे कि जो हमारी कार है उसके पास उसका फंक्शन है रिफ्यूल, मतलब फ्यूल भरवाना, गेट फ्यूल, फ्यूल लेना, सेट स्पीड, हम स्पीड सेट कर सकते हैं, गेट स्पीड हम देख सकते हैं कि स्पीड क्या चल रही है कार की, ड्राइव कर सकते हैं हम कार को, ये कार का फंक्शन है। और एट्रीब्यूट क्या है उसके, मतलब प्रॉपर्टीज क्या हैं, ऐसा कह सकते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसमें फ्यूल होता है कार में। और उसके बाद मैक्स स्पीड जो उसकी सबसे तेज स्पीड है, उससे रिलेट करने के लिए हमने ऐसा नाम दिया होगा। यानी कि कार की मेन चीज़ है स्पीड और फ्यूल, अगर ये नहीं होगा वो नहीं चलेंगे। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई और फंक्शंस। तो अब हम जानते हैं हम क्लास को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने C++ प्रोग्राम में। तो यहाँ पे क्रिएटिंग अ क्लास, क्लासेस आर क्रिएटेड यूजिंग द कीवर्ड क्लास। जैसे कि आप अब जान ही गए होंगे, अ क्लास डिक्लेरेशन डिफाइंस अ न्यू टाइप दैट लिंक्स कोड एंड डेटा, दिस न्यू टाइप इज देन यूज्ड टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि क्लास एक कुछ नहीं है, बस एक कंटेनर है जिसमें हम अपनी दी हुई प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं, फंक्शंस दे सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं और कुछ डेटा मेंबर्स दे सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स, इंटीजर्स, जो आप चाहें। तो वो एक डेटा टाइप बन जाएगा और आप उसके सर्टेन ऑब्जेक्ट्स बना पाएंगे, यानी कि वेरिएबल्स बना पाएंगे उस डेटा टाइप के। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ये डेफिनेशन है, आप इसे याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। मतलब एक इंस्टेंस है, मतलब क्लास का ही एक रूप है छोटा सा जो सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है जो क्लास करती है। ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंटिटीज़ हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। एक क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ यानी सिमिलर वेरिएबल्स होंगे, सिमिलर फंक्शंस होंगे, मतलब एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अब सिंटेक्स देख लेते हैं हम क्लास का कैसा होता है। सबसे पहले हम क्लास वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद जब हम क्लास का नाम देना चाहें, कुछ भी हो सकता है वो, ABCD, डॉग, कार, कैट, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके जो ब्रैकेट्स होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके अंदर हम प्राइवेट, पब्लिक, इसे हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। बाय डिफॉल्ट हम कुछ भी क्लास के अंदर रहते लिखते हैं तो वो प्राइवेट होता है, और मेनली हम प्राइवेट एरिया में जो क्लास का होता है वहाँ पर डेटा मेंबर्स लिखते हैं,
कभी कभी फंक्शंस भी लिखते हैं जो हमें प्राइवेट रखने से बाहर तक एक्सेस ना हो पाए, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो एक्सेस स्पेसिफायर हमारे होते हैं प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो सपोज हमने पहले प्राइवेट मेंबर्स डिफाइन किए, फिर प्रोटेक्टेड और फिर पब्लिक, पब्लिक जो क्लास के बाहर से भी एक्सेस हो पाए, जिनकी वजह से हम प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पाएँ क्लास के अंदर। ये हम आगे देखेंगे प्रोग्राम में, आप बस जैसे एक बार माइंड में लेके चलिएगा। तो जैसे यहाँ पे क्लोज होता है हमारा ब्रैकेट क्लास का, हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट की लिस्ट डाल सकते हैं, यानी कि हमें कौन 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 से नाम के वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट बनाने हैं हमारी क्लास के। यहाँ पे हम उसे वेरिएबल नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसलिए हम कहते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहें नहीं भी लिख सकते। सेमी कोलन से एंड होती है हमारी क्लास, क्योंकि ये हमारा बनाया हुआ डेटा टाइप है, इसलिए ये एक तरह का स्ट्रक्चर है। पर इसके अंदर सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहता है और स्ट्रक्चर में सब बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक रहता है, इसलिए ये डिफरेंस है इनमें। द ऑब्जेक्ट लिस्ट इज ऑप्शनल इफ़ प्रेजेंट इट डिक्लेयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो आप आखिरी में क्लास एंड होती है वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या तो आप अपने फंक्शन के अंदर जो कि वॉइड मेन फंक्शन है उसके अंदर बना सकते हैं। तो अब C++ एडिटर पर आ गए, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर टॉप में फ्लैश हो रहा होगा अभी। तो ये मैंने कमेंट लिख दी, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का हम प्रोग्राम बनाएंगे, बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे। तो मैंने अपने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी iostream.h और ponio.h। iostream हमारी मेन हेडर फाइल है C++ के प्रोग्राम चलाने के लिए, जैसे कौन आप जानते ही होंगे। उसके बाद ponio.h है, ponio.h मैंने getch फंक्शन और क्लियर स्क्रीन फंक्शन के लिए यूज़ हुई है, मैं आपको आगे बता दूंगा। तो हम यहाँ पे क्लास बना रहे हैं कार नाम की car, जैसे कि आपने देखा हमने कीवर्ड लिखा था वो वाइट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो C++ ने पहचान लिया कि वो एक कीवर्ड है। तो हमने यहाँ पे क्लास डिक्लेयर की कार नाम से, और इसके ओपनिंग ब्रेसेस कर ली ब्रेसेस के बाद हमने इसके डेटा मेंबर्स लिखे, इसे हम डेटा मेंबर्स कहते हैं। फ्लोट टाइप का फ्यूल और इंटीजर टाइप की स्पीड, और मैंने आगे कमेंट लिख दिया ये प्राइवेट है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने वहाँ ऊपर कोई एक्सेस स्पेसिफाई नहीं लिखा है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है। आप लिख भी सकते हैं उसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे मैंने पब्लिक लिखा, वहाँ पर प्राइवेट लिख सकते हो ऊपर कोलन के साथ। उसके बाद पब्लिक पार्ट में जो हमारी क्लास का है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ void input function। यहाँ पे हम एक फंक्शन दे रहे हैं जिससे हम यूज़र से वैल्यू लेंगे कि वो फ्यूल की क्या वैल्यू रखना चाहता है, और इंटीजर जो स्पीड है स्पीड की क्या वैल्यू रखना चाहता है। फ्लोट और इंटीजर तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उनमें मैंने बताया है। तो ये cout से ये स्टेटमेंट बाहर प्रिंट हो जाएगी, जब ये फंक्शन कॉल होगा void main, मतलब जो हमारे मेन फंक्शन है उसकी बॉडी से, तो ये फंक्शन में ये प्रिंट करेगा इनपुट फंक्शन नाम, पहले प्रिंट करेगा फंक्शन का, फिर पूछेगा एंटर फ्यूल। तो सीन से जो फ्यूल लिखा है वहाँ से यूज़र वैल्यू इनपुट करवाएगा कि उसकी गाड़ी में कितना फ्यूल है। आप और भी तरह की क्लास बना सकते हैं, मैंने बस ये बेसिक आपको समझाने के लिए बनाएंगे। और जो अगली स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट होगी एंटर स्पीड, यूज़र स्पीड एंटर करवाएगा कि स्पीड कितनी है उसकी गाड़ी की। तो सेम स्पीड से वो स्पीड में वैल्यू स्टोर हो जाएगी वेरिएबल में, जो कि हमारा डेटा मेंबर है इस क्लास का। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया इनपुट वाला। उसके बाद मैंने आउटपुट फंक्शन लिखा है यहाँ पे, जिससे हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं यूज़र को कि उसने उसकी गाड़ी की स्पीड क्या है और उसमें फ्यूल कितना है, जो कि यूज़र ने एंटर कराया होगा पहले वही दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने void आउटपुट नाम दिया फंक्शन का, void यानी कि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा पर डिस्प्ले करा देगा डायरेक्ट cout से। तो यहाँ पे मैंने पहले प्रिंट करवाया कि ये आउटपुट फंक्शन है cout, आउटपुट फंक्शन जो भी रेड दिखाई दे रहा है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पे, जो कि ब्लैक कलर की होती है, जो हम हमारी रन करने में प्रोग्राम दिखाई देती है, जानते ही होंगे आप। उसके बाद cout करवाया मैंने फ्यूल, फ्यूल इज इक्वल टू फ्यूल वेरिएबल दिया है, तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर जब फ्यूल प्रिंट होगा उसके आगे। और आगे मैंने लिखा लीटर्स की, फ्यूल इतने लीटर्स में, लीटर्स में मतलब यूज़र जितना एंटर करवाएगा फ्यूल वो लीटर्स यूनिट रहेगी उसकी। और फिर स्पीड, स्पीड KMPH किलोमीटर पर आवर वो प्रिंट हो जाएगा, आप यूनिट रहती है स्पीड की, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड जहाँ पे लिखा है वहाँ उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। स्पीड जहाँ पे रेड है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और जहाँ पे ग्रीन दिख रहा है आपको वो वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे लिखा था ऊपर डेटा मेंबर में, तो वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी क्लास क्लोज हो गई, यहाँ पे आप देख रहे हैं void main फंक्शन से ऊपर कर्ली ब्रेसेस और सेमी कोलन दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारी क्लास हो गई है कंप्लीट। सेमी कोलन लगाना पड़ता है, वो कंपलसरी है।
नहीं तो हमारा एरर देता प्रोग्राम, वो सिंटेक्स में ही आता जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैंने void main फंक्शन लिया है, यहाँ पे मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ किया है, जिससे हमारा जो प्रीवियस आउटपुट होगा हमारी ब्लैक स्क्रीन पे वो क्लियर हो जाएगा और हमारा टॉप से आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का और कोई पुराने वाले का नहीं आएगा, प्रोग्राम रन भी होगा। तो यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है और ये हमारे ऊपर के डेटा मेंबर्स हैं, जो पब्लिक में मैंने लिखे जो भी फंक्शंस हम यूज़ करते हैं उन्हें हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं। यहाँ पे मैंने कॉल किया है कार C1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद C1 से इनपुट फंक्शन कॉल किया, फिर C1 से आउटपुट फंक्शन कॉल किया getCH, फिर क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया कंट्रोल F9 दबाने पे, कंट्रोल प्लस F9 इनपुट फंक्शन कॉल हुआ है, तो वो पूछ रहा कितना फ्यूल है आपकी गाड़ी में, एंटर फ्यूल, फिर मैंने यहाँ पे 10 इनपुट किया, फिर एंटर स्पीड 40 की, तो आउटपुट आ गया फ्यूल इज़ 10 लीटर्स और स्पीड इज़ 40 km/h। तो इस तरह से हमारा ये काम कर रहा है प्रोग्राम। यहाँ पे दोनों फंक्शंस कॉल हो गए, कोई आउटपुट में एरर भी नहीं आया, कोई शो नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि फ्लोट था फ्यूल, तो हम यहाँ पे जो फ्यूल है उसको पॉइंट वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं कि 1.50 इतने लीटर्स फ्यूल है, स्पीड सिर्फ इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यूज जाएंगी, डेसिमल वैल्यूज़ नहीं जाएंगी। तो ये हमारा जो ऊपर का उसे हम डेटा मेंबर कहते हैं अपनी क्लास में, और जो ये फंक्शंस हैं इन्हें मेंबर फंक्शंस कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो क्लास है वो कंटेन करती है डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। डॉट ऑपरेटर से मैंने फंक्शन कॉल किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं C1 जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है कार का क्लियर स्क्रीन के नीचे, उसको मैंने डॉट इनपुट लिख के फंक्शन को कॉल किया, इनपुट और फंक्शन कहते हैं इन ब्रेसेस को, तो आप समझ गए होंगे। तो C1 डॉट फ्यूल अगर हम लिखेंगे, क्योंकि ये फ्यूल हमारा प्राइवेट मेंबर है क्लास का, तो ये एरर दे देगा कि इज़ नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं हमारे क्लास के उन्हें हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में, इसलिए हम फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं पब्लिक पार्ट में कि हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करके उन्हें कॉल कर पाएँ और जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स हैं उनकी प्राइवेसी बनी रहे या सिक्योरिटी बनी रहे हमारी क्लास की, कि कोई भी उसे डायरेक्ट एडिट ना कर पाए जैसे कि हम स्ट्रक्चर में कर सकते थे। तो ये डॉट ऑपरेटर रख के हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, अपने फंक्शंस को कॉल करते हैं और वैल्यूज मैनिपुलेट करते हैं अपने प्राइवेट मेंबर्स की जो हमारी क्लास में होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और बार रन किया, मैंने वैल्यू डाली 4.5 और 35, तो यहाँ पे आ गया 4.5 लीटर्स और 35 km/h इतनी स्पीड है। तो ये जो हमने पूरा लिखा है, जो मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने पूरी क्लास बनाई है, कार नाम की क्लास है, क्लास वेरिएबल यूज़ किया हमने इसको डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि आप समझ गए होंगे क्लास डिक्लेयर करने के लिए हमें क्लास वेरिएबल क्लास कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। ये पब्लिक हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है, मैंने लिख भी दिया है कमेंट्स में, कमेंट है ये जो भी ब्लू में आ रही हैं। यहाँ पर जितने भी हमने फंक्शन लिखे हैं क्लास की बॉडी के अंदर, यहाँ क्लास से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं उन्हें हम मेम्बर फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शंस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, मेन बॉडी में कॉल कर सकते हैं। तो कार ये फ्यूल प्रिंट, फ्यूल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, स्पीड की वैल्यू प्रिंट होगी, इस तरह से हमारा प्रोग्राम काम करता है। और जब जहाँ पे क्लास की बॉडी क्लोज होगी वहाँ पे सेमी कोलन आता है, मैंने आपको बता दिया। वर्ड मेन फंक्शन यूज़ किया मैंने यहाँ पे, ये जो कार स्पेस C1 लिखा है, यानी कि जो हमारा डेटा टाइप है वो कार है स्पेस C1, यानी C1 ऑब्जेक्ट का नाम है। वेरिएबल कहते हैं जैसे हम int स्पेस A लिखते हैं, तो int हमारा डेटा टाइप होता है, A हमारा वेरिएबल का नाम होता है, उसी तरह से यहाँ पे कार जो है वो डेटा टाइप कह सकते हैं हम, और C1 है हमारा वेरिएबल ही, पर उसे यहाँ पे क्लास के साथ यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो C1 कॉमा C2 C3 C4 आप कितने भी दे सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स A के साथ। तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है C1.input और C1.output, फंक्शन कॉल कहते हैं सर, सिंपल सर। अगर आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पता हो पहले से, तो हम मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से आप समझ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं अपने C++ प्रोग्राम में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक देना ना भूलें। थैंक्स।